हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, टॉप थ्री इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी का बयान, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गारंटी दी, मोदी सरकार के तीसरे टर्म में वो भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। अब पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहा, मोदी विरोधी भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान से बौखला गए हैं। हमेशा ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने वाले प्रकाश राज ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। प्रकाश राज हर दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। लगता है प्रकाश राज पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस लेटेस्ट बयान को लेकर प्रकाश राज ने ट्वीट कर दिया है। प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी की इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्रत्येक सत्र विफल होने पर हैशटैग बैकलॉग छात्र तीसरे सत्र के लिए पूछ रहा है, हैशटैग जस्ट टास्किंग। प्रकाश राज का कहना है कि दो सत्र विफल होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे सत्र के लिए पूछ रहे हैं। अब प्रकाश राज को इस तरह का बयान देना काफी भारी पड़ गया है। ट्विटर पर फिल्म इंडस्ट्री के विलन की जमकर फजीहत हो रही है, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मे एंड 2024 को तेरे पे पूछेंगे हु इज फेलिंग एंड हु इज विनिंग। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, ऐसा विलेन नहीं देखा जिसका दिमाग के सब कुछ पंचर है। इसके अलावा एक और अन्य यूजर ने लिखा, एवरी टाइम रियल विलेन ट्वीट्स टू प्रूव हिज मेंबरशिप इन टुकड़े टुकड़े गैंग, थर्ड ग्रेड परारा काचा जस्ट टेलिंग। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, आप बी और सी ग्रेड फिल्मों की फ्लॉप छपरी साइड अभिनेता हैं, लेकिन ये आपको इस उम्मीद में अभिनय करने से नहीं रोकता कि निर्माता आपको हीरो बनाने के लिए काफी बेताब होगा। मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में लगातार जीत हासिल की है, क्योंकि भारत के लोग चाहते हैं कि वो देश का नेतृत्व करे। इतना ही नहीं, एक और अन्य यूजर ने लिखा, तेरे बाप का क्या जा रहा है बे, हमको होना थर्ड टर्म, निकाल ना तू इंडिया छोड़कर। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, पूछ नहीं रहे बता रहे हैं, अगर वो पहले और दूसरे में फेल हो गया तो तीसरे टर्म के बारे में नहीं बता पाएगा, पहले और दूसरे कार्यकाल में जो विफल हुआ वो आपका घृणित प्रचार है और उस प्रचार को तीसरे कार्यकाल में फिर से विफल होने का मौका मिलेगा। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, ब्रो ही इज नॉट आस्किंग फॉर थर्ड टर्म बट ही इज सुपर कॉन्फिडेंट टू गेट अ थर्ड टर्म, इसलिए आप लोग अपनी सोचो। इतना ही नहीं, एक और अन्य यूजर ने लिखा, कुछ भी आएगा तो मोदी ही, जितना गैस छोड़ना है अभी छोड़ लो फिर काम मिलना बंद हो जाएगा। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, काश ईश्वर ने तुम्हें नेत्रों के साथ साथ सोचने समझने की सद्बुद्धि भी प्रदान की होती ताकि तुम वास्तविकता का बोध कर पाते और लालच में आके अपने दूषित एजेंडे के चलते लोगों को भ्रमित करने का दुष्कर्म ना कर पाते। इसके अलावा एक और अन्य यूजर ने लिखा, This is not a movie of a stupid overrated actor. इसकी पहचान नॉर्थ में ये है कि ये एक फिल्म से ये यहाँ पहचाना गया, तो वो भी इसलिए कि वो अजय देवगन की फिल्म थी। तो देखा आपने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान देना प्रकाश राज को कितना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए देशवासियों को गारंटी दी थी कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म यानी 2024 लोकसभा चुनाव में वो भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। इस गारंटी के साथ ही मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोक दिया था। अब इसी को लेकर प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और खुद की फजीहत भी करवा ली। ये कोई पहली बार नहीं है जो वो इस तरह की ट्रोलिंग का शिकार हुए हों। इससे पहले भी वो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर कर बुरे फंस गए थे। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री का वो वीडियो जिसमें वो भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली तीन इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली तीन
इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप थ्री इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली तीन इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली तीन इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप थ्री इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी।